पड़वे, इन्होंने सारी मैच हार के सबकी गोटियां चुराई है, मेरी दोनों गोटियां से लेके खेल रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यार आज का जो दिन है हमारा वो शुरू हो चुका है, हमेशा की तरह लेट नाइट स्टडी की वजह से, लेट नाइट वेकअप भी। लेकिन आज का जो दिन है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उठते उठते आज मेरे ऊपर कामों का बहुत ज़्यादा बहुत छार भी हो चुका था, क्योंकि दादी ने बहुत सारा काम मुझे आज दे दिया। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं करेक्ट 8 o'clock सो ही रहा था, तो उन्होंने उठा कर जल्दी जल्दी बोला कि जाओ मिल पर, वहाँ पे गेहूं को पिसवा कर आटा लेकर आना था, फिर धान को सुखवाना था छत पे, उसको कुटवाना होता है ना चावल को, तो उसे सुखवाना था, तो उस छत पे धान का बोरिया चढ़वाया। और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुका था और लेट नाइट बहुत ज़्यादा लेट नाइट सोया था, तो इसलिए मैं आते ही दोबारा 9 o'clock सो गया। और अभी एग्जैक्ट 10 o'clock हो रहा है, मैं दोबारा उठा हूँ और मैं उस वक्त वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त फ़ोन जो था वो चार्ज में नहीं था, क्योंकि लेट नाइट में कभी चार्ज नहीं लगाता। जब उठता हूँ मॉर्निंग में तभी लगाता हूँ, और मैं उठते उठते पहले चार्ज लगाया, उसके बाद ही काम पे मतलब काम किया सारा, और फिर आके मैं दोबारा सो गया, तो उस वक्त वीडियो बना नहीं पाया था। तो मैं आप आगे का बता नहीं सकता कि अब मतलब शुरू शुरू का जो मेरा दिन था वो कामों से बौछारों से शुरू हुआ है। अब देखते हैं कि अब हमारा जो दिन ख़त्म होता है वो कैसे कैसे होता है। तो चलिए कोई नहीं, अब उठ ही चुके हैं तो चलिए फ्रेश व्रेश हो लेते हैं। और नहाने का तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यार बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड भी है और ठंड में रोज़ रोज़ नहाना सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी देखेंगे मौसम के हिसाब से, अगर नहाना हुआ तो नहाएंगे, वरना तो यार रहन देंगे। तो चलिए पहले फ्रेश व्रेश होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, उसके बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली अब मैं रेडी हो चुका हूँ और अब हम लोग को बस ब्रेकफास्ट करना है और बाकी आज का मॉर्निंग का जो सारा काम है वो हो जाएगा। तो एग्जैक्टली मैं मॉर्निंग में चना खाना भी प्रेफर करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो पीछे मैंने चना भेकर रखा हुआ है, तो एग्जैक्टली आप ये देख लीजिए। तो ये रहा हमारा चना जो मॉर्निंग में मैं खाना हमेशा पसंद करता हूँ। तो इसमें हम लोग एग्जैक्टली 100 to 200 ग्राम चना रहता है, और प्लस इसमें 20 to 30 ग्राम किशमिश वाटर के साथ हम लोग ऐड कर नाइट में रख देते हैं भिगो कर, ताकि थोड़ा फूल जाता है और खाने में बहुत ईजी भी पड़ता है। तो यार इसका जो एग्जैक्टली मतलब बेनिफिट होता है, ये हमारे शरीर के लिए, सेहत के लिए और खासकर पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे स्टेमिना और प्रोटीन जो होता है बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, और खासकर इससे मुझे डॉक्टर ने भी प्रेफर किया था कि आप मॉर्निंग में खाइए और सेहत इससे बहुत अच्छी रहती है, और स्टेमिना और रनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप रनिंग करते हो तो मॉर्निंग में इसे खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसमें मैं एग्जैक्टली यार 5 to 6 बादाम भी ऐड करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक तरह कभी कभी भूल जाता हूँ, तो आज मैं भूल चुका हूँ। चलिए कोई नहीं, कल ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग पहले इसका पानी पी लेते हैं, उसके बाद इसको हम छत पर ले जाकर खाएंगे। तो फाइनली अब हम लोग पानी पी चुके हैं, तो एग्जैक्टली मैं इसी को इसी तरह पी लेता हूँ, क्योंकि इससे जो पानी होता है बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है, और इस पानी में भी इसके बहुत ज़्यादा हमें मतलब विटामिन ये सब मिल जाते हैं। तो चलिए अब कोई नहीं, इसमें थोड़ा चम्मच एक ले लेंगे और इसको छत पर ले जाकर खाते, तब आपसे मिलते हैं। A few minutes later. तो फाइनली अब हम लोग छत पर आ चुके हैं, और यार आज का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा मुझे ख़राब भी लग रहा है, क्योंकि यार आज अभी इस टाइम तक धूप निकल जाता है, लेकिन अभी देख सकते हो धूप कहीं निकला नहीं है। तो एग्जैक्टली आज का जो मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि अभी हवा भी चला और अजीब सा मतलब ठंडापन है आज की हवा में। तो यार एग्जैक्टली देखा जाए तो आज नहाने का जो प्लान है हमारा वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि जब तक धूप निकलेगा नहीं तब तक मैं नहाने वाला नहीं हूँ, भले वो 10 दिन हो या 15 दिन। एग्जैक्टली 10 दिन नहीं यार, नहा ही लेता हूँ, क्योंकि बीच बीच में मुझे कहीं जाना होता है, और मैं कभी भी ट्रैवलिंग में अगर कहीं जाता हूँ तो नहा कर ही जाता हूँ, ये चाहे ठंड हो, बर्फ गिरे, कुछ भी हो, अगर मुझे कहीं स्कूल हो या किसी के घर मतलब ट्रैवलिंग करना हो तो उस वक्त मैं नहा कर ही निकलता हूँ। लेकिन अभी मुझे कहीं ट्रैवलिंग करना नहीं है तो आज नहाना कैंसिल। और पीछे एग्जैक्टली देख सकते हो जो पीछे मतलब आपको पीला पीला दिख रहा है सारा धान है, जो कि मतलब मैं छत से मतलब नीचे से छत तक लाया था ढोकर, और अभी जो आप साइड में देख सकते हो यहाँ पे कुछ धान रखे गए हैं बोरियाँ, एग्जैक्टली ये 60 से 8 बोरियाँ हैं। तो इसको भी अभी रूम में शिफ्ट करना, जो आप पीछे रूम एक देख रहे हो जिसमें टंकी ऊपर है, तो इस रूम में अभी शिफ्ट करना है। तो मैंने जैसा बताया था कि मॉर्निंग में काम से शुरू हुआ और अभी काम ही काम चल रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में दो दो काम कर लिए थे और अब दादी ने मेरे को तीसरा काम भी दे दिया। तो चलिए कोई नहीं, काम तो करना पड़ेगा, तो पहले चना खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद काम कर लेंगे। A few minutes later. अब सारा काम हमारा हो चुका है, जो भी धान को मतलब रूम में ले जाना था वो सारा शिफ्टिंग का काम अब हो चुका है, और जो जो उसमें पूरा हालत पंचर हो चुकी है, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं उसको उठा के रूम में पहुंचा रहा था विदाउट रेस्ट, और अकेले था, और बॉडी भी कम से कम 40-50 किलो की थी, और अकेले उठाने में और उसको शिफ्ट करके रखने में बहुत ज़्यादा मतलब थकावट हो चुकी है।
और कोई नहीं, और अभी थोड़ा धूप भी नॉर्मली आ चुका है, लेकिन हवा में अभी भी ठंड है, तो कोई नहीं। और अभी हमारे जो लिली है वो भी ऊपर आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब थोड़ा इसके साथ इसकी मस्ती और इसकी एक्टिविटी भी आपको दिखा देंगे। फाइनली आप लोग लिली को देख सकते हो। आज बहुत ज़्यादा लिली गुस्से में लग रही है, क्योंकि कब से देख रहा हूँ काटे जा रही, काटे जा रही, हर चीज़ को, जो भी चीज़ इसको मिल रहा है उसे नोचे जा रही है। और कोई नहीं, और मैंने जैसा बताया था यार, मेरा दिन मतलब काम से शुरू हुआ और काम पे काम मिले जा रहा था। अब देख लिया, अब बूढ़ा भी हो गया और दो काम तो दिखा नहीं पाया था, लेकिन एग्जैक्टली लास्ट काम मैंने दिखा दिया। और अब पता नहीं और कितने काम मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी ये जो धान जो है इसको बटोरना भी है। तो अगर मैं जगा रहा तो करूँगा, लेकिन अगर सो गया तो भाई भूल जाओ, क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा है। और इतना काम मैं ऐसे एग्जैक्टली करता नहीं हूँ, लेकिन जब से बिहार में आया हूँ बहुत से काम मैंने किए किसानों वाले, जो कि आने के बाद पता लगा। और एग्जैक्टली आप लोग उसे देख सकते हो, वो बानरपंथी करने में एक्सपर्ट है। अभी कब से मतलब नहाई भी नहीं, 10 दिन हो गया उसे देख लो, मतलब क्या बताऊँ, मेरे का रिकॉर्ड तोड़ रही है, मेरा भी रिकॉर्ड भाई। एग्जैक्टली बताऊँ तो मैं और आज लिली हम दोनों ही नहाने वाले थे, लेकिन ठंडी की वजह से हम लोग नहीं नहाए, क्योंकि आज हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडापन हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं नहाया। कोई नहीं, अब कल का देखते हैं, कल गर्मी रहा तो मैं और लिली दोनों नहाएंगे। तो चलिए कोई नहीं, अब आगे के काम में मिलेंगे, तो अभी के लिए तो बाय बाय। तो फाइनली फ्रेंड एक बज चुका है और अब खाने खाने का भी टाइम हो चुका है, तो चलिए अब नीचे चलते हैं, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा देर हम लोगों ने लिली के साथ भी खेल लिया। और एग्जैक्टली अब लिली सो चुकी है, क्योंकि अगर जगी रहती तो अगर मैं वापस आता ना तो वो भौंभौं कर करके दिमाग ख़राब कर देती, क्योंकि उसको पता क्या है ना कि लोग उसके पास रहने चाहिए, तभी वो शांत रहती है और खेलती रहती है। अकेलेपन में वो मतलब उदास टाइप और मतलब चिल्लाने लगती है, तो अभी वो सो रही है। तो चलिए हम लोग नीचे जाते हैं और जल्दी जल्दी खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि यार मैं ऊपर ही खा लेता, लेकिन देखो एक तो ऊपर लिली है तो वो खाने में डिस्टर्ब करती है, और खासकर मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मैं विदाउट टीवी देखे जल्दी खाना नहीं खाता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, अगर दोस्तों के साथ हूँ तो यार खाना खा सकता हूँ, लेकिन अगर दोस्त ना हो, घर में हो, तो यार टीवी देखे बिना तो खाना खा नहीं सकता। और एग्जैक्टली आप अगर सुन रहे होंगे तो यार देखिए लिली अब जग चुकी है, तो कोई नहीं, थोड़ा सा लिली के पास जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट आपसे मैं नीचे मिलूंगा, क्योंकि अब लिली से मैं मिलके फिर डायरेक्ट नीचे आ जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब लिली को सुलाकर नीचे आ चुके हैं, और देखिए टीवी पहले से ऑन था, क्योंकि शो भी चल रहा है, डांस शो चल रहा है। तो यार एग्जैक्टली ये डांस शो मेरी बहन देख रही थी, अभी वो लिली को दोबारा ऊपर से नीचे लाने आई है, क्योंकि वो जग चुकी थी। तो उसका है यार आदत, क्योंकि लोगों के साथ उसे रहना पसंद है, लिली को अकेला उसको अच्छा नहीं लगता, तो बहन गई है। और अभी नीचे देखिए टीवी शो में डांस शो चल रहा है, तो अब डांस शो देखते देखते हम लोग खाना खाएंगे। तो खाना हमने मतलब अपनी चाची को निकालने के लिए बोल दिया है, तो खाना निकाल के आती होगी, तो मैं आपको खाना दिखाने के बाद, खाने के बाद डायरेक्ट आपको रूम में अपने मिलूंगा, क्योंकि मैं टीवी पूरा दिन नहीं देखने वाला, क्योंकि बस खाने टाइम पर मैं टीवी देखता हूँ। तो चलिए खाना आ जाने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आपसे मिलते हैं, उसके बाद फिर रूम में। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हमारा खाना जो है आ चुका है, देख चुके हैं, 2 रोटी चावल सब्जी साग चटनी और दाल। तो एग्जैक्टली ये नॉर्मली खाना ऐसे ही बनता है हमारे घर में, कुछ ना कुछ चखने में जो होता है बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के होते हैं, और रोटी और चावल तो मेरा नॉर्मली है। तो यार एग्जैक्टली यहाँ पर रह के मतलब एक्सरसाइज उतना नहीं करता हूँ, तो भूख उतना नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर नॉर्मली यही खाना चलता है। तो चलिए अब खाना खाते हैं और फिर आपसे डायरेक्ट मिलते हैं। ए फ्यू मिनट्स लेटर। सो फ्रेंड्स फाइनली अब हम लोग का खाना पीना हो चुका है, आप देख रहे हो, अब टीवी तो बहन ही देखेगी और आप हम लोग चलेंगे। तो एग्जैक्टली अभी देख सकते हो जो लिली थी वो नीचे आ चुकी है, तो वो अभी सो रही है, आप देखिए एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। तो लिली अब कैमरे को देख के जग चुकी है, तो आप देख सकते हो कैसे बढ़े जा रही है, तो आप देखिए। तो अभी ये सो रही थी, लेकिन कैमरे को देखो मेरी आवाज़ सुन के जग गई, तो चलिए कोई नहीं, इसको दोबारा हम लोग सुला देते हैं, फिर आपसे रूम में आके मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो लिली अभी सो रही है, मैं अभी उससे बहुत ज़्यादा दूर हूँ, कैमरे को एग्जैक्टली जूम करके रखा हूँ, इसलिए अच्छे से एंगल नहीं आ रहा है। तो अभी लिली सो रही है, तो इसको सोने देते हैं, उसके बाद हम लोग रूम में आपसे मिलते हैं। अब हम लोग रूम में पहुंच चुके हैं, और आज का हमारा जो दिन था मतलब काम से शुरू हुआ, और अब हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, और एग्जैक्टली अभी खाना खाया तो रेस्ट करना ज़रूरी है, तो अभी हम लोग रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को उठेंगे, तो उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए बस वीडियो के साथ बने रहिएगा, और एक सेकंड हिचकी थोड़ी आ रही थी। तो यार हाँ, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यार देखिए थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, बस 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अब मेरे जो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है उसे कंप्लीट करवाइए। और यार देखो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और मुझे नहीं पता नीचे आपको लाल कलर के बटन जो है वो दिखी होगी, तो उसके साथ आपको जो भी करना है, आराम से बोल रहा हूँ, प्यार से जो करना है वो करो, लेकिन वो सब्सक्राइब होकर बेल आइकन दब जाना चाहिए बस, क्योंकि यार थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए, और ये रिक्वेस्ट है, ये आदेश नहीं है, बस मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। तो बस
अब चलिए आगे हम लोग मिलेंगे, तो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद तो थोड़ा फोन में भी काम है, तो चलिए पहले रेस्ट वेस्ट करके फोन उन में काम कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं, तो शाम को आपको मिलते हैं। ए फ्यू मिनट्स लेटर फ्रेंड्स, एग्जैक्टली अभी 2 o'clock हो रहा है और मैं अभी सो ही रहा था, लेकिन अचानक मतलब ऊपर से आवाज़ आया, छत से आवाज़, दादी ने लगाया कि अभी जो है बारिश हो रहा है, मतलब बारिश जैसा हो रहा है, माहौल है, टिप टिप हो रहा है बारिश, तो उन्होंने बुलाया है कि जो धान है उसको बटरवाने में मदद करना, मतलब उन सबको इकट्ठा करके एक जगह रखवाना है ताकि वो मतलब गीला ना हो सके और जो सुखवाने में मेहनत लगी है वो मेहनत बर्बाद ना हो। तो चलिए अब हम लोग ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या मदद करना है क्या नहीं करना है। तो अगर मदद करने लायक होगा तो हम लोग मदद करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग नीचे आके फिर सो जाएंगे। तो चलिए पहले ऊपर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या माहौल है, कैसा मौसम है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो बारिश के माहौल हो रहा है, तो यहाँ पे सब लोग धान को बटोर रहा है, आप लोग देख सकते हो कैसे बटोरा जा रहा है। तो एग्जैक्टली हम लोग लेट आ चुके हैं, तो चलिए कोई नहीं, और यहाँ पे हमें बोरियों को पैक करना है और एग्जैक्टली फिर से वहीं रूम में ले जाना है। तो चलिए हम लोग पैक कराने में मदद करते हैं, उसके बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। अरे आराम से कर, ये लो नल्ला। फ्रेंड फाइनली हम लोग का जो आधा काम था वो मैंने कर लिया है और बाकी काम जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे लोग। तो ये बाकी हो रहा है, धान बटोरा जा चुका है और अभी फिर से बोरिया उठाने का टाइम मेरा आ चुका है, आ रहा हूँ ना, तो आप लोग देख सकते हो। और हम लोग की लिली दोबारा ऊपर आ चुकी है ठंड में, तो कोई नहीं, और चलिए करते पहले बोरा किनारे। उन्होंने धान को शिफ्ट कर दिया बोरियों के साथ, आप देख सकते हो पापा भी यहीं पर हमारे सोए हुए थे, मतलब टाट के अंदर ही वो लपेटे हुए थे। और यहाँ पर हमारी लिली जो है खेले जा रही है बहन के साथ, अब बानर के साथ ले लिया है तो वो भी थोड़ा डर रही है। और वो रहा मेरा बेटा, ध्यान से देखो। हेलो बोलो बेटे, हेलो हेलो चुतिया, आई नो दैट चुतिया पा कर रहा है, कोई नहीं। और चलिए अभी देख सकते हो कि मतलब ये जो बोरिया है यहाँ पे, मतलब कहाँ गया ये बोरिया, इसको शिफ्ट करना और दोबारा से उसी रूम में ले जाना जिस रूम में मेरे पीछे देख सकते हो जहाँ दादाजी है मेरे, तो वो रूम में ले जाना दोबारा से। तो यार अब सारा काम करने के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि यार बोरिया रखते हो रिकॉर्डिंग तो हो नहीं सकती। और फाइनली मैंने एक बेटे से भी रिकॉर्डिंग करवाई ली थी, तो वो तो काम हो गया, तो ज़्यादा नहीं रिकॉर्डिंग हुआ। और बाकी अब बोरिया सारा भरा जा रहा है, तो अब चलिए डायरेक्ट सारा काम होने के बाद आपसे एक बार मिलते हैं। फाइनली हम लोग का जितना बॉडी धोना था वो सारा हो चुका है, और अभी भी नॉर्मल बॉडी बचा हुआ है, एक से या दो बोरी और एग्जैक्ट होगा, और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मली। और बोरा आप अंदर देख सकते हो कितने सारे भरे हुए हैं, तो वहाँ रूम में बोरे भर भर के मेरी फटाकी वो निकल चुकी है, कोई नहीं। तो अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखा दूँ कि जो मेरे अपलाइन से मतलब हो रहा है ना, कि ऊपरी से मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वो रहा मेरा बेटा जो ऊपर आपको दिख रहा होगा वही कर रहा है रिकॉर्डिंग। और बाकी चलिए अभी सारा काम हो गया, तो अभी हम लोग थोड़ा एक अननोन कॉल से कुछ ही का मैसेज आया हुआ है, तो उससे थोड़ा बात करते हैं, उसके बाद आपसे कुछ मिलते और बताते कि एग्जैक्टली वो अननोन कौन था। नंबर रॉन्ग नंबर था, किसी ने गलती से मैसेज किया था, वो दोस्त को मैसेज कर रहा था लेकिन वो गलती से मेरे नंबर पे मैसेज कर दिया, कोई नहीं, तो उसको वार्निंग ये सब दे दिया गया, अब दोबारा से एग्जैक्टली मैसेज नहीं करेगा। और बाकी हमारा सारा काम जो है वो हो चुका है, और देख सकते हो यार मौसम जो है आज मतलब बहुत ज़्यादा ठंडापन है मौसम में, और बारिश भी रह कर आ रही है, तो कोई नहीं। और अभी देखिए सारा काम जो है हमारा यहाँ का हो चुका है, तो चलिए अब बाकी का काम करते हैं और आपसे दोबारा मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग सोने चलेंगे, और क्योंकि मैंने जैसा बताया था क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुके हैं, तो चलिए नीचे चलते हैं और अब सोते हैं यार, अब शाम को आपसे एक बार मिलेंगे और उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। बाय बाय। A few minutes later. Exactly अभी 4:22 हो रहा है, और अभी मैं अपने फ्रेंड के घर आया हूँ, तो एग्जैक्टली उस वक्त मेरा फोन डिस्चार्ज हो चुका था, तो मैंने अपने फोन में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया घर से निकलते वक्त। तो अभी मेरे को यहाँ पे कॉल आया हुआ है, दोस्तों ने बुलाया हुआ है कैरम खेलने के लिए, तो आज हम लोग कैरम खेलने वाले सारे लोग मिल के, तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड कालेपन में कुछ दिख नहीं रहा, चश्मे से कभी सुधरेगा नहीं, और मेरा ये बेटा। तो एग्जैक्टली अभी लाइटिंग सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, फिर भी चलिए कोई नहीं, लाइटिंग अच्छा भाई। और कैरम का अभी पार्ट कैरम होने वाला, और साथ ही साथ कुछ खाने पीने का इंतजाम भी है, तो चलिए जैसे जैसे इंतजाम होगा आप लोग को मैं दिखाता रहूंगा। ओके later. So friends, finally हम लोग का पास्ता बन के रेडी हो चुका है, और सारे लोग अब खाने के लिए रेडी हैं, तो चलिए मैं उन लोग का भी दिखा देता हूँ। तो एग्जैक्टली वो लोग भी खा ही रहे हैं, लेकिन नॉर्मली लाइट नहीं है, तो एक बार देख लीजिए। तो गोलू पास्ता वास्ता दिखाइए।
यो तो बेटे का पास्ता तो मैंने लूट लिया था, लेकिन कोई नहीं, दूसरा उसके लिए पास्ता आया था। चलो कोई नहीं, अब पास्ता पार्टी के साथ साथ कैरम भी होगा और मजा भी आने वाला है। तो यहाँ पास्ता चोर भी बहुत ज्यादा हैं, मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ अधिकतर भुक्खड़ है भुक्खड़ी वाले। चलो कोई नहीं, आगे मिलते खाने पीने के बाद और गेम खत्म होने के बाद। तो फाइनली हम लोग का पास्ता वास्ता सारा चीज हो गया है, खा पी कर रेडी है सब लोग, और सब लोग छुपा छुपा के खा रहे थे क्योंकि सब एक दूसरे के लूटने के पीछे पड़े हुए थे। और चलिए अब कोई ना, थोड़ा कैरम खेलते हैं और उसके बाद मैच खत्म होते के बाद आपको मिलते हैं दोबारा। फाइनली हम लोग का जो मैच है कैरम मैच खत्म हो चुका है, आप देख सकते हो मैं मैच किस कदर जीता हुआ हूँ। तो यार ये गोटी एग्जैक्टली पूरे हाथ में आ ही नहीं रहा है, और ये तो नले भी देख सकते हो कि सब हारने के बाद कैसे मुंह लटका के बैठे पड़े हैं, और वो अभी तक सदमे में मैच हारा कैसे। तो मतलब सोच सकते हो ये किस कदर ये दोनों मैच हारे हैं। चलिए कोई नहीं, मैच बंद होता है और पास्ता पार्टी भी आज बहुत मजेदार हुआ। तो अब मिलेंगे थोड़ी देर घर जाने के बाद, क्योंकि अब आज मैं सो भी नहीं पाया दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि आज मैं सोने वाला था लेकिन नहीं सो पाया, तो लेट नाइट, पता नहीं आज स्टडी हो पाएगी कि नहीं। चलिए कोई नहीं, वीडियो के साथ बने रहिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया कर दो सब्सक्राइब, लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो, और जितना हो सके उतना शेयर कर दो भैया, समझा करो, फीलिंग अभी सपोर्ट चाहिए बस। बाय बाय, टाटा, सी यू। और आज की वीडियो यही खत्म होती है, खाना पीना नहीं दिखाने वाला, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपने दोस्तों के साथ निकल चुके हैं यहाँ पे, यार सबको मैदान करने जोरों से टॉयलेट लगा मेरा। हाँ तो भाइयों को मैदान भी लगा होगा, कोई नहीं, तो मतलब कि शाम टाइम हम लोग ऐसे ही बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, और अभी तो मुझे बहुत जोर से टॉयलेट लगा, तो सबसे पहले टॉयलेट करेंगे और पीछे वाले लोटा लेके मैदान करेंगे। तो चलो अब चलते हैं खेतों में, और वहां से हम लोग अपना बिहारी स्टाइल देसी स्टाइल बना करते हैं, और फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा अंधेरा टाइप है तो इसलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो चलो कोई नहीं, जब पहुंचेंगे रोशनी में एक बार आएंगे तो उसके बाद मिलते हैं, अभी के लिए तो टाटा बाय बाय, सी यू। नहीं फ्रेंड्स, हम लोग अब घर आ चुके हैं और एग्जैक्टली अब मैं अपने रूम में हूँ। तो यार आज दोस्तों के घर बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया था कैरम खेलने में भी, और एग्जैक्टली मैं बता दूँ तो कैरम मैच में जीता नहीं था, एग्जैक्टली मैच कब का खत्म हो गया था, तो हम लोग बस नौटंकी करने के लिए मैंने बता दिया था। तो एग्जैक्टली मैच जो था गोलू जीता था, आप लोग गोलू को जानते हो अगर आप मेरे शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो, और जो बेटा सत्यम था वो सेकंड आया था, और एग्जैक्टली मैं दो राउंड तक टिका रहा सत्यम, तीन राउंड तक, वो चौथा राउंड में जीत गया था। और एग्जैक्टली हम फिर हम लोग बाहर भी गए थे, तो बाहर में कैमरा इनो दैट कि बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, हम लोग देसी पना भी आप लोग को दिखा रहे थे, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। आई नो दैट कि उसमें कोई शो नहीं हो रहा होगा, तो कोई नहीं, आप लोग चेहरा तो देख ही चुके, तो कोई नहीं, बस कहाँ जा रहे थे क्या कर रहे थे वो दिखा रहा था। और एग्जैक्टली यार मैं आज की जो वीडियो थी इसमें अपनी डेली लाइफ के होने वाले सारे टर्म दिखा रहा था कि मेरे लाइफ में मतलब क्या क्या हो रहा है, क्या मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। तो यार देखो ये सेम प्रोसेस हमेशा नहीं होता, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये होता रहता है। और मैं वीडियो में दोस्त के घर था वहाँ पे ही बोल दिया था कि वीडियो एंड होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यार ये वीडियो एंड एटलीस्ट कम से कम ये लास्ट होगा। और इसमें आपको ये कहूँगा कि यार आज से जो भी मेरी वीडियो आएगी, एक्चुअली मैं सेपरेट भी इस टॉपिक को बनाऊँगा, लेकिन अभी नॉर्मली बता दूँ कि अभी जो भी मेरी वीडियोज आने वाली है ब्लॉग्स में, तो वो एग्जैक्टली जो भी वीडियो होगी वो लाइफस्टाइल के ऊपर ही होगी। क्योंकि यार देखो बिहार में हूँ और मैं अभी जितना मेरे पास सब्सक्राइबर थे उसमें मैं कहीं घूम कर नहीं बना सकता, तो लाइफस्टाइल के ऊपर बनाऊंगा। अगर आपको लाइफस्टाइल पसंद आती है तो सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सपोर्ट दीजिए। देखिए लाइफस्टाइल के साथ साथ मैं ब्लॉगिंग भी करूँगा, ट्रैवलिंग वाला भी, और साथ ही साथ इसमें अनबॉक्सिंग ये सब भी करता रहूँगा। अलग से चैनल का एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें बताऊँगा कि मैं अपने वीडियोज़ में अपने चैनल पर क्या क्या डालता करूँगा। और फाइनली देखो यार वीडियो एंड होता है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज की जो ब्लॉगिंग थी तो ये डेली टाइप बताया कि यार मतलब सुबह से काम शुरू हुआ और मैं सोचा कि सोऊंगा सोऊंगा लेकिन सो नहीं पाए, इन द एंड दोस्तों ने भी बुला ही लिया था, और कोई नहीं ऐसा होता रहता है। तो एग्जैक्टली देखो यार आज का तो प्लान था, लेकिन कल का एक एक्स्ट्रा प्लान है। तो यार कल मुझे मॉर्निंग में एग्जैक्ट 7 o'clock से मैं पहले ही मॉर्निंग में कल मुझे अपने बुआ के घर जाना है, तो वहाँ से कुछ समय सामान वामान लेने जाना है। तो एग्जैक्टली हम लोग निकल जाएंगे, कम से कम 7 o'clock तक निकल जाएंगे, और वहाँ रुकना नहीं है मुझे, मैं अपने चाचा जी के साथ जाऊँगा और वहाँ से तुरंत सामान लेकर हम लोग वापस आ जाएंगे। तो उसके ऊपर वीडियो बनेगा, तो कल तो और भी मज़ा आने वाला है क्योंकि कल ट्रैवलिंग भी रहेगा, और साथ ही साथ वहाँ से होने के बाद वो वीडियो कब का एंड हो जाएगा, और उसके बाद अगर वीडियो बनाने का मन हुआ तो उसके कल ही में दो दो वीडियो भी शूट हो जाएगी, क्योंकि ट्रैवलिंग वाला वीडियो मैं हमेशा सेपरेट बनाऊंगा और लाइफस्टाइल वाली जो भी वीडियोस होगी वो सेपरेट होगी। और बाकी यार वीडियो अगर पसंद आ रही हो हम लोग का, देखो यार मैं अभी तो कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बेस्ट बनाने की, अभी तो आई नो दैट कि वीडियो बेस्ट नहीं बन सकती, लेकिन धीरे धीरे बेस्ट होता जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा मेहनत आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना एक, और छोटा सा काम कर दो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जो भी नया वीडियो है उसको देखकर थोड़ा सपोर्ट कर सकने के लिए।
और कमेंट कीजिए जो भी आपको गलतियाँ लग रही है उसमें, अब मैं सुधार करने की कोशिश करूँ तो आप कमेंट कर दीजिए कीजिए, और जितना हो सके यार दोस्तों में शेयर कीजिए कि थोड़ा चैनल जो है वो ग्रो हो, और वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक देख लो अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो आ रही है तो, क्योंकि उससे क्या होता है कि यूट्यूब सजेस्ट कर देता है, उसको वायरल करने में बहुत मदद करता है अगर आप 2 से 3 मिनट देखते हो तो। बाकी के लिए सब सही है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।